बाहर हो रही है बारिश 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 बारिश, सब जगह बहुत सारी बारिश हो रही है। और इस बारिश के टाइम पे है हमें सब कुछ हेल्दी खाना। तो आज हम बनाएंगे ऐसा सूप जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, या समझ लो कह लो ये काढ़ा है, सर्दियों का काढ़ा, और उसका नाम है थुक्पा। हेलो गाइज, वेलकम टू केतकी कुकिंग, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। अभी हम लोग बना लेंगे वेजिटेबल स्टॉक। इसके लिए मैंने ले लिया 1 लीटर पानी। इसमें डाल देंगे हम लोग स्टार एनिस, चक्री फूल, और थोड़ी सी काली मिर्च। इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी 1 कप, थोड़े कटे गाजर, मशरूम्स, हरा धनिया और थोड़ा सा प्याज। और इसमें डाल देंगे हम लोग 1 से 2 इंच का जिंजर बारीक कटा हुआ, और इसको अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है। कोई भी सूप बनाते वक्त उसका स्टॉक जो होता है, जो वेजिटेबल स्टॉक है या चिकन ब्रॉथ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो ही टेस्टी नहीं बनेगा तो आपका सूप का टेस्ट भी एकदम माइल्ड सा और इतना टेस्टी नहीं बनेगा। इसलिए हमें अच्छे से उसे बॉईल करना है। अगर आपको चिकन थुक्पा बनाना है तो आप इसकी जगह चिकन डाल सकते हैं और इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। अब हम लोग बना लेंगे थुक्पा पेस्ट। इसमें मैंने ले लिया है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 छोटा सा प्याज। बस इसको काट के हमें डालना है, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक। और ये लाल मिर्च डाली है मैंने, बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और ये थोड़ा सा स्टार एनिस, 2 सिर्फ टुकड़े तोड़ के डाले हैं मैंने, और ये 8-10 काली मिर्च। और इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है इसका। अब एक बड़े पैन ले लेंगे हम लोग, या कढ़ाई या जो भी अवेलेबल है आपके पास, उसमें 1 टीस्पून ही तेल डालना है, और इसमें हम लोग बनाया हुआ ये पूरा पेस्ट डाल देंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए, और अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट लिख के मुझे बताएंगे आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अगर आपको ये थुक्पा का वीडियो कैसा लग रहा है, तो मुझे बेहद खुशी होगी आपकी कमेंट्स पढ़ने में। अभी देखिए, इसका हमें पूरा पानी इवेपोरेट करना है। इसे पकाना है हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये अच्छे सूख जाए तब तक। देखिए, स्टार एनिस एक ऐसा एक मसाला है हमारे किचन में जो सारे वायरसेस और फ्लू को फाइट करता है। इसका डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है ये सूप। देखिए, जैसे ये सूखते जा रहा है, तब हमें इसमें हमारी मनपसंद जो भी वेजीज है अवेलेबल है घर में, वो सब डाल सकते हैं। मैंने मशरूम्स, थोड़े से ब्रोकोली, थोड़े से बारीक कटी पत्ता गोभी और गाजर डाल दिए हैं। आप जो भी अवेलेबल है वो सब कुछ डाल सकते हैं। मुझे थुक्पा में पर्सनली मुझे ये सारी वेजिटेबल्स अच्छी लगती है। देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लंबे बारीक कटे हरा प्याज डाल दिया है मैंने। सारी सब्जी अगर एक लेंथ की कटी हो ना, तो वो दिखने में भी अच्छा दिखता है और खाने वाले को भी अच्छा लगता है कि वाह, मैंने बड़ी मेहनत से कुछ तो बनाया है। अब इसमें डाल देंगे हमारा वेजिटेबल स्टॉक। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये वेजीज के साथ इसमें थोड़ा सा बॉयल चिकन भी डाल सकते हैं, और चिकन ब्रॉथ डाल दें। अब इसमें डाल देंगे हम लोग नमक, अपने हिसाब से नमक डाल देंगे जितना आपको लगता है। आप बीच में टेस्ट करके भी देख सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती इसकी खुशबू जो है ना, इतनी बेहतरीन है ना, पूरा घर महक उठेगा। ये जो स्टार एनिस और काली मिर्च और जिंजर का जो फ्लेवर आता है, और सारी सब्जियां जो पक रही है धीरे धीरे धीमी आंच पे, माय गॉड, आप इसे बनाना, पीना और फिर मुझे कमेंट करके बताना ये कैसा बना ये सूप। देखिए, जैसा ये पक गया है ना, जैसे ये उबलते जाएगा धीरे धीरे धीरे, इसे ज़्यादा भी नहीं उबालना है हमें, 7 से 8 मिनट तक, जब तक ये सारी सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक ही पकाना है। और देखो, बन गया। और थोड़ी बॉयल्ड नूडल्स होगी ना आपके घर में, बस उसे थोड़ी सी बॉयल कर लीजिए, ज़्यादा नूडल्स नहीं रखना है, और उसके साथ ये हमारा सूप सर्व कर दीजिए। ये बन गया हमारा थुक्पा। ये एक टिबेटन डिश है, वहाँ जहाँ ये बहुत सर्दी होती है, वहाँ पे ये लोग अच्छा बॉडी को गर्म रखने के लिए जनरली खाते हैं। शिमला, दार्जिलिंग, ये सारी जगह पे आपको ये थुक्पा मिलेगा ही। नॉनवेज भी बहुत सही बनता है ये। चिकन वाला बना के देखिए, वो भी बहुत ही सही बनेगा। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हरा प्याज और थोड़ी सी काली मिर्च, और बन गया ये हमारा थुक्पा। प्लीज़ इसे बना के देखना। इसके नाम पे मत जाना, कुछ अजीब सा नाम है, लेकिन
टेस्ट करना तो बनता है। और ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल स्टॉक के थुप्पा पेस्ट की। और ये आप वेजिटेबल स्टॉक आराम से 8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। इससे क्या होगा, आपको कभी भी सूप बनाना है उसमें अलग अलग वेजिज डाल के सूप बना लीजिए, सिर्फ मशरूम है तो सिर्फ मशरूम डाल के सूप बना लीजिए, थोड़े नूडल्स बचे वो डाल के बना लीजिए, सब सही जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे भी बहुत सारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज आएगी। और ये मेरे बाकी के वीडियोज है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।